बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, क्लास एट के स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने अपनी पिछले लेक्चर्स की वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 1.3 को सॉल्व किया था, तो स्टूडेंट्स आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.4 को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज नंबर 1.4 का पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। वो कह रहा है स्टूडेंट्स कौन सा फॉलोइंग प्रोडक्ट मैट्रिसेस की कंफर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो आइए हम चलते हैं। अब स्टूडेंट्स इसमें क्या बताया जा रहा है कि अब ये मैट्रिसेस है, इसके फर्स्ट पार्ट की तरफ आप देख रहे हैं कि ये नंबर ऑफ कॉलम, इसका नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिसेस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड, नंबर ऑफ रोज सेकंड मैट्रिसेस उसके इक्वल है कि नहीं है। यानी कि किस तरह से अगर ये देखा जाए ये टू कॉलम्स है तो ये टू रोज है, यानी कि ये इक्वल है। यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिसेस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिसेस, सो प्रोडक्ट इज पॉसिबल। सो प्रोडक्ट इज पॉसिबल एंड देन फ्रंट पार्ट टू की तरफ चलते हैं। अब इसकी तरफ देखते हैं, ये टू मैट्रिसेस दिए हमें यहां, इसका नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिसेस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिसेस, सो प्रोडक्ट इज पॉसिबल। अब देखते हैं ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, फर्स्ट रो और सेकंड रो, सो नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिसेस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिसेस, सो प्रोडक्ट इज पॉसिबल। जहां पे भी प्रोडक्ट क्या है पॉसिबल है, दोनों सेम है। अब थर्ड पार्ट की तरफ देखते हैं, नंबर ऑफ कॉलम इज ओनली वन, नंबर ऑफ फर्स्ट मैट्रिसेस नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिसेस, इसकी रो 2 है नहीं इक्वल, तो नॉट इक्वल आ गया, सो प्रोडक्ट इज नॉट पॉसिबल। जहां पे प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है तो स्टूडेंट्स बाकी दो पार्ट्स भी हो गए इसी तरह से होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का दोनों पार्ट, जो क्वेश्चन नंबर 1 के तीन पार्ट मैंने आप लोगों को सॉल्व कर दिए, जो बाकी दो रिमेनिंग पार्ट है स्टूडेंट्स आप लोगों ने खुद सॉल्व कर दिए, तो ये बहुत इजी है, कोई मुश्किल काम नहीं है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से इन पार्ट्स के सारे समझ भी रख चुकी होगी। तो स्टूडेंट्स आए हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि कुछ इस तरह से है। इफ ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिसेस एंड बी इज इक्वल टू दिस एंड फाइंड ए बी एंड टू सेकंड पार्ट में बी ए, पॉसिबल है, पॉसिबल है। ए बी की तरफ देखते हैं स्टूडेंट्स, अगर ए और बी की वैल्यू दी है, इसको जरा देखते हैं। अब यहां पे टू कॉलम है और टू रोज है, यानी कि ये पहला पार्ट पॉसिबल है। अब इसको मल्टीप्लाई करने का स्टूडेंट तरीका होता है, फर्स्ट रो को ये कॉलम के साथ, 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस अब 0 को 5 के साथ, ये प्लस आना है, मल्टीप्लाई ये रूल है स्टूडेंट्स, प्लस का साइन आना है, प्लस 3 को 6 के पहले को पहले के साथ, 0 को 5 के साथ, प्लस 0 को 5 के साथ। अब देन नीचे देखते हैं, माइनस 1 को 6 के साथ, फिर अगेन और 2 को प्लस लगा के 2 को 5 के साथ, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं तो 3 6 are 18 और प्लस 0 5 are 0 और माइनस 6 1 are 6 माइनस 6 प्लस 2 5 are 10, 18 में 0 एंड 0 18, अब 10 में 6 माइनस 8, 10 में 6 माइनस 8 हो गया, आपका 4 आ गया। ओके स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ ए बी आप लोगों को ए बी की मल्टीप्लिकेशन बहुत अच्छे तरीके से समझ कर चुकी होगी। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो बी ए का है। अब देखते हैं स्टूडेंट्स बी ए में क्या कह रहा है, बी ए में अब यहां पे मैंने आप लोगों को बताया था नंबर्स ऑफ नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिसेस इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिसेस, तो देन प्रोडक्ट पॉसिबल होता है। लेकिन यहां पे ये जस्ट ओनली सिंगल कॉलम है, एक कॉलम है यहां पे रोज 2 है, सो प्रोडक्ट इज नॉट पॉसिबल। सो कैसे पॉसिबल नहीं है प्रोडक्ट, बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिसेस इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ नंबर्स ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिसेस, कॉलम से टू टाइम लिखा गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ कर चुके होंगे। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम रिमेनिंग पार्ट्स जो हैं वो अच्छे तरीके से सॉल्व करने और इसकी प्रैक्टिस करनी है। और स्टूडेंट्स
किसी भी स्टूडेंट्स को अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो थ्रू ए प्रॉपर चैनल वो कॉन्टेक्ट कर सकता है मुझ तक, तो ताकि मैं उस क्वेश्चन की दोबारा रिवीजन करवा सकूँ। तो स्टूडेंट्स मुझे मेरी इस वीडियो से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।